नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। बहन कुमारी मायावती ने आखिर बना ही लिया ट्विटर अकाउंट। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये था कि बहन कुमारी मायावती अपना सोशल अकाउंट अपडेट नहीं करती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने बनाया है अपना ट्विटर अकाउंट। और ट्विटर अकाउंट को बहुत सारे लोग, मोदी भक्त भी बहुत सारे करते हैं बहन कुमारी मायावती को फॉलो, और क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो नेतृत्व है वो बहुत ही गजब का है, जो लोगों को बहुत सारा पसंद आता है। आप देख रहे हैं, ये बहन कुमारी मायावती का जी का अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, लेकिन पहले ट्विटर अकाउंट उन्होंने दूसरे नाम से बनाया था, लेकिन अब उन्होंने @मायावती के नाम से बनाया है। आप ये देख पा रहे हैं कि मायावती का अकाउंट ये वाला अकाउंट है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इस अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और बहन जी ने अभी ये चेंज करा था, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स उनके आगे थे और बहुत सारे फेक अकाउंट्स पे लोग काम कर रहे थे, तो बहन जी ने अभी ये वाला अकाउंट बदल दिया है। और इसके ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी भी दी है मीडिया के लिए। उन्होंने लिखा है, मीडिया बंधुओं को BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, ट्विटर के माध्यम से लोगों व मीडिया के संवाद के करने के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का फैसला किया है। आपको मैं दिखा दूं, पहले जो बहन जी ने अकाउंट बनाया था वो ये वाला बनाया था सुश्री मायावती के नाम से, लेकिन इसके नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए थे, इसलिए बहन जी ने जो अकाउंट बना दिया है अब वो मायावती के नाम से बना दिया है, जिसपे आपको बहन जी का फोटो ये वाला नजर आएगा। और आपको ये फॉलो करना है मायावती अकाउंट्स। आप फोटो देख सकते हैं कि आपको जो फोटोग्राफ्स नजर आएगा वो बहन जी का इस तरीके का नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये वाला बैकग्राउंड बहन जी का है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं जो मेन खबर है, बहन जी के अकाउंट्स को बहुत सारे लोग, BJP के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आपको हम लोग दिखाते हैं 1x1। ये बहन जी का अकाउंट है और इस पे देखेंगे ये कुशल पांडे जी हैं, जिनका बैकड्रॉप भी जो लगा हुआ है वो BJP का लगा हुआ है। और ये कुशल पांडे जी लिखते हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम आपको और नीचे चलते हैं बहन जी के अकाउंट्स पे, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग सभी धर्मी के, ये जो आप देख रहे हैं मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छे से जुड़कर आ गया है मायावती बहन जी के साथ, और बहुत सारे लोग इसको बाहर से फॉलो कर रहे हैं, विदेशों से। ये गौरव जी हैं, ये बाहर से हैं, USA से हैं, और ये भी इसको फॉलो कर रहे हैं। जहां मुस्लिम समाज सामने आ रहा है खुल के बहन जी के साथ, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के फॉलो करने वाले वोट फॉर कांग्रेस लिखते हैं, लेकिन बहन जी के अकाउंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको बहन कुमारी मायावती की विचारधारा बहुत ज्यादा पसंद है। हम लोग और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि को हम लोग और नीचे चल के देखते हैं, काफी सारे आज बहन कुमारी मायावती के हजारों नहीं लाखों की तादाद में तुरंत अकाउंट अपडेट होते ही बहन जी के फॉलोवर्स बढ़ने शुरू हो गए थे। आप देख रहे हैं ये संतोष जी हैं, ये संतोष श्री हैं, श्री हैं, और ये भी मोदी भक्त हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मोदी भक्त ही हैं और ये फॉलो कर रहे हैं बहन जी को, तो अच्छी बात है। बहन जी को उनका जो दिशा निर्देश है वो बहुत अच्छा है। हम लोग और नीचे चल के देखते हैं कि बहन जी के अकाउंट्स को और कौन फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे सभी धर्म के लोग बहन जी के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। ऋषि सूर्यवंशी जी हैं और ये अपने फोटो के साथ मोदी जी का फोटो लगाते हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं, बदल के रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की, हमें तो जिद है BJP को जिताने की, नमो नमा करके है इनका। और ये देख रहे हैं आप, ये बहन जी के अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग और नीचे चल के देखते हैं कि कौन कौन है जो फॉलो कर रहे हैं बहन जी को। जब से गठबंधन हुआ है तब से सपा के लोग भी बहन जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं। ललित प्रताप यादव जी हैं, आप देख रहे होंगे ललित प्रताप यादव जी जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये भी बहन जी के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं बहन जी की। ये नवजोत सिंह सिद्धू जी भी हैं, ये भी बहन जी को फॉलो कर रहे हैं, पूरा इनका अकाउंट है उसके साथ ऐड है। कई बार कुछ लोग फेक अकाउंट्स भी बना लेते हैं, लेकिन फेक अकाउंट्स इसमें कम ही रहते हैं। आप ये देख रहे हैं बी पाटिल जी हैं और ये भी बहन जी के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, और बी पाटिल जी ने जो लगा रखा है फोटो वो लगा रखा है छत्रपति शाहू जी का, महाराज जी का फोटो है या शिवाजी का फोटो दिख रहा है, ये फॉलो कर रहे हैं बहन जी के अकाउंट्स को, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो था। और ये भी मोदी भक्त ही नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी DP के ऊपर मोदी का लगा रखा है। ये भी विवेकानंद स्वामी और ये करके बहुत सारे हैं, BJP का ये भी इनका चल रहा है।
ये भी मोदी भक्त हैं, आपको दिखाएं, ये हैं रवि पाठक जी हैं, और ये भी बीजेपी के कमल के साथ बहन जी को फॉलो करते हैं, और अपने अकाउंट पे मोदी का फोटो ना लगा के कमल का फोटो लगा रखा है और बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा रखा है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहन जी को फॉलो कर रहे हैं। एक भक्त ये भी हैं, अमित सिंह राजपूत जी हैं, और ये भी बहन जी के अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है इनका मन परिवर्तन है या क्या है, करना चाहते हैं ये जाने, लेकिन बहन जी के अकाउंट्स को बहुत सारे लोग, बहन जी के अकाउंट को बीजेपी के बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। बहन जी के अकाउंट से ऑफिशियली लोग भी बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। ये देखिए, जिला संयोजक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग प्रबंधक हैं, ये भी मध्य प्रदेश से हैं और ये भी बहन जी को फॉलो करते हैं, और बहन जी के अकाउंट से सब धर्मी लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो खैर जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, राजीव जी भी हैं कांग्रेस के हैं ये भी, लेकिन जो संतों और महंतों का जो रहा है हमेशा से, वो भी बहन जी से लोग अच्छे से जुड़े हुए हैं। अजय जी हैं जो, ये भी जुड़े हुए हैं, ये विजय सिंह पवार हैं, और ये भी मोदी भक्त ही हैं, लिखते हैं जय श्री राम हनुमान। विजय पवार जी बहन जी के अकाउंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पूरे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस के लोग भी बहन जी को बहुत फॉलो कर रहे हैं, जब से बहन जी ट्विटर अकाउंट्स में आई हैं तो सभी उनके फॉलोवर्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, पूरे देश से पूरी दुनिया से लोग जुड़ने लग रहे हैं बहन जी से। आप देख रहे हैं, बहन जी के अकाउंट्स को फॉलो करने वाले कम नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं। सीताराम पचौरी जी हैं, और ये पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा हाथरस, भारतीय जनता पार्टी सादाबाद हाथरस से हैं, ये भी बहन जी के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं पूरे के पूरे। आइए और देखते हैं कि नमो भक्त कौन है, कितने हैं जो बहन जी को फॉलो कर रहे हैं। आशीष त्रिपाठी जी हैं जो दिल्ली से हैं, कहीं ऐसा लगता है दिल्ली से हैं, ये भी बहन जी को फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत सारे कैडराइज लोग हैं जो बहन जी को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आशीष जी हैं, आशीष त्रिपाठी हैं, ये पूरे ही पूरे और बहन जी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहन जी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बहन जी को सुनना चाहते हैं लोग, उनके विचारधाराओं को सुनना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं, ये मोदी फॉर 2019, 2019 पे इनकी तैयारी है मोदी को, लेकिन ये बहन जी के अकाउंट को फॉलो क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता चलता है कि क्यों फॉलो कर रहे हैं। और ये मोदी भक्त ही नजर आती है, कोई महिला है ये, और मेरा पीएम 2019, मेरा पीएम मेरा अभिमान, ये सब लोग बहन जी को फॉलो करते हैं। और जो ये देखिए, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, जो ये संतोष पांडे जी हैं जो बहन जी को फॉलो करते हैं, और संतोष पांडे जी महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आजमगढ़ से हैं, अध्यक्ष, छात्र और मीडिया के से भी जुड़े हुए लगते हैं संतोष पांडे जी हैं। ये मोना जी हैं, और ये भी बहन जी को फॉलो करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहन जी को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। और आप देख रहे होंगे, ये अजय बलियान करके हैं, और ये मिशन 2019 की बात करते हैं, और यहाँ पर ये जो है मोदी भक्त नजर आते हैं क्योंकि इनकी डीपी पे मोदी लगे हुए हैं। और ये पूरे के पूरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर बहन जी का अकाउंट हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे तो ये जो जनगणना है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि आप भी जाके बहन जी के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके, बहन जी का अकाउंट है और बहन जी के अकाउंट पे @मायावती लिखा हुआ है, और बहन जी का खुद का फोटो लगा हुआ है, ये बहन जी का दूसरा फोटो लगा हुआ है। आप इस फोटो को देख कर ही उसको ट्वीट करें और वहां पे अपना लाइक शेयर जरूर करें। और ये बहन जी का इस तरीके से डीपी लगी हुई है पूरी की पूरी, और ये जो है ऑफिशियली अकाउंट है, और बहन जी का आपको यहाँ पे सारी चीज नजर आ जाएंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी, उनका ऑफिस एड्रेस नजर आएगा, और ये बहन जी का पर्सनल अकाउंट है, ऑफिशियली अकाउंट्स है। और यहाँ पर कोई भी अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको तुरंत जेल होने की भी प्रावधान है, क्योंकि ये साइबर क्राइम में आता है। आप किसी को अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की खबरों को तुरंत बनाए रखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुजन समाज की आवाज हो सके बहुत मजबूत। अगली खबर पे नजर बनाए रखने के लिए तुरंत हमारे चैनल को
लाल रंग के बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचे घंटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।